अंबर, मैं पहुंच गया हूँ। वहाँ थर्ड फ्लोर पे हूँ। कहाँ आना है? पेंट हाउस। ओके, मैं आ रहा हूँ। मैं समझता हूँ तुम्हारा दुख। आंटी हमारे साथ इतनी शफीक थी, तुम तो उनके घर का फर्द थी। तुम्हें बेटी समझती थी। बेटा, ये दुनिया का निजाम है, जो आता है उसे वापस जाना ही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं। वो कितनी अच्छी थी मेरे साथ, मेरा कितना ख्याल रखती थी। हम जानते हैं सुम्बुल, वो एक बहुत अच्छी खातून थी, मगर समझने की कोशिश करो, आर्यन की वालदा थी वो। सोचो उस पर क्या गुजर रही होगी। किसी के माँ बाप चले जाए ना, तो इंसान अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है। अभी अलियान को तुम्हारी सख्त जरूरत होगी, उसे संभालो तुम। हम थोड़ी देर के लिए जाते हैं, अंबर घर पे अकेली है, मैं आराम करके ना उसको वापस लेके आती हूँ। और तुम परेशान नहीं होना, मैं और आसिम भी चक्कर लगाते रहेंगे। सुमल आंटी के बाद अब इस घर की और आलियान की जिम्मेदारी तुम पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों जिम्मेदारियां तुम बहुत समझदारी से निभाओगे। शहनाज, तुम भी जरा ध्यान रखना। जी बेगम साहिबा। बेटा जैसे भाई कह रहा है ना, वैसे ही करना, ठीक है ना? हम आते हैं थोड़ी देर में। करो मेरी जान। हम आते। अल्लाह तुम्हारे जैसी बेटी और बहू ना सबको दे, और अल्लाह आप जैसी सास भी सबको दे। सुंदर मेरी ढेरों दुआएं बेटा तुम्हारे साथ, और तुम देखना अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां देगा। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें आली से ढेरों शिकायतें हैं, लेकिन मेरी इस बात पे यकीन रखो, एक दिन तुम्हें आली की बीवी होने पे फख्र होगा। अंबर क्या हुआ है तुम्हें? अंबर पर ये क्या हाल हो रहा है तुम्हारा? अंबर क्या हुआ है तुम्हें? चलो अंबर, चलो यहाँ से। वैसे नहीं चलो। अंबर चलो, मैं कह रहा हूँ। नहीं, उसे नहीं छोड़ूंगी मैं। उसे जान से मार दूंगी। मैं उसे जान से मार दूंगी। अंबर, जान से मारूंगी मैं इसे। अंबर, जान से मारूंगी मैं इसे। अंबर, मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात मानो। नहीं, तुम इसे मारोगे। अंबर, मैं बात कर रहा हूँ ना।
तुम मारोगे, तुम मारोगे। तमाशा नहीं बनाओ अपना। तुम मारोगे उसे। बोला। मैं मारूंगा, मैं मारूंगा, देख लूंगा उसे। चलो यहाँ से, चलो। तुम उसे जान से मारोगे? एफी, तुम उसे जान से मारोगे? अंबर, मैं बोल रहा हूँ ना, चलो। रिता, तुम जानती थी कि हमने अम्मी से ये बात छुपाई हुई थी। उन्हें नहीं बताया था कि शाह के ऊपर क्या क्या जुल्म है, किस अजियत से वो इस दुनिया से गुजरी। क्या बताने की जरूरत थी तुम? आली, आली, तुम अपनी बहन की मोहब्बत में मुझे भूल गए, पर मैं तुम्हें नहीं भूल सकी। खुद गर्ज हो गई थी तुम्हारे लिए, तुम्हें हासिल करने के लिए। हाँ, तुम खुद गर्ज हो गई थी, बिल्कुल खुद गर्ज हो गई थी तुम, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो झूठी मकार औरत अलमास है। नहीं, खुद गर्ज हुई हो तुम। उसको पता था, उसको पता था कि साथ जो है वो एक पागल, एक खुदगर्ज, एक नफसियाती इंसान है जिसने मेरी बहन की जान ले ली। इसी तरीके से तुमने मेरी माँ की जान ली अपनी खुदगर्जी की वजह से। तुम मेरी माँ की कातिल हो। आली, खुदा के लिए, खुदा के लिए ऐसा मत कहो। मैं आंटी को अपनी अम्मी से भी ज्यादा अजीज समझती हूँ। आज भी वो मेरे दिल में है। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी आली, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया। रिदात, मेरी एक बात तुम कान खोल कर सुन लो कि जितनी शदीद मैं तुमसे मोहब्बत करता था, आज उससे कई गुना ज्यादा मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और हम कभी एक नहीं होंगे, कभी एक नहीं होंगे, समझी तुम? आली, आली, आप मेरी मामा के बारे में कैसे बात कर रहे थे? दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, दफा हो जाओ यहाँ से। इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकते हैं मामा के बारे में? तुम्हारी माँ इसी काबिल है, वो एक झूठी मक्कार औरत है, समझी तुम? जल्लाद है वो। हाली, मॉम के लिए तमीज से बात करें। तमीज से बात करूं तुम्हारी माँ के लिए? ये वही औरत है जिसने मेरी बहन को ना जीते जी एक जहन्नम में भेज दिया ससुराल के नाम पे। एक पागल लड़के से उसकी शादी की जो नफसियाती था, उसको अजियतें देता था। और पता है तुम्हारी माँ उसको जाके क्या कहती थी? मेरी बहन को जाके कहती थी कि ये सब सह लो, क्योंकि घर इससे ही बनते हैं और ये किसी को ना बताना। नहीं आली, ऐसा मामा ऐसा नहीं कर सकती है। ये आपको गलतफहमी हुई है, मामा ऐसा नहीं कर सकते। गलतफहमी नहीं हुई, तुम्हारी माँ बिल्कुल ऐसी ही मकार और झूठी औरत है। उसके सीने में दिल नहीं, पत्थर है। और वो समझती है ना कि उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये उसकी गलतफहमी मैं दूर करूंगा, क्योंकि उसके सामने अब मैं खड़ा हूँ और मैं बदला लूंगा अपनी बहन का उससे। और तुमसे मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए शादी की कि मैं तुम्हारी माँ से बदला ले सकूं। तुम्हें मैं वो रोज अजियतें दूंगी, रोज तुम अपनी मौत को पुकारोगी, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो सब देखे जो कुछ मेरी बहन के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ हो। पहले तुम मरेगी और फिर तुम मरोगी।